भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज की खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छी प्रेरणा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारे में गुणों को डेवलप करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, हमारी भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की स्थापना करना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं, तो आज का इसी क्रम में विषय बहुत सुंदर विषय है, कड़ी मेहनत का मुकाबला नहीं। यहाँ कड़ी मेहनत से क्या अर्थ है? कड़ी मेहनत का अर्थ होता है पुरुषार्थ करना, सही दिशा में पुरुषार्थ करना, सत दिशा में पुरुषार्थ करना, टू डू द एफर्ट्स इन ए राइट वे, डू द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। हमें कड़ी मेहनत कैसे करनी चाहिए, उसके साथ में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रारंभ से ही एक इतने बड़े लक्ष्य का निर्माण करना चाहिए, चाहे उस तक वह न पहुंच सके, लेकिन उसका फलित क्या होगा कि बड़ा लक्ष्य होने से हमारी प्लानिंग बड़ी होगी। हो सकता है उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें समय लग जाए, लेकिन हमारी क्रियान्विति बड़ी होती है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। एक बच्चा शुरू में अगर 10th की बोर्ड की परीक्षा दे देता है और अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे IAS बनना है, तो उसी दिन से उसकी सारी विचारधारा, उसका सारा सोचने का नजरिया, उसका पढ़ने का नजरिया IAS की तरफ जो है लक्षित हो जाता है। एक व्यक्ति अपना ये लक्ष्य बनाता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो उसके अनुरूप वो बड़ा बिजनेस करेगा, बड़ी प्लानिंग करेगा, बड़ी सेल करेगा, बड़ा ऑफिस लेगा। और व्यक्ति प्रारंभ से ही छोटा लक्ष्य बना देता है कि मुझे स्कूल का टीचर बनना है, तो उसके दिमाग के अंदर कोई नई नई पौधे, नई नए विचार, नई जागृति नहीं आएगी, क्योंकि टीचर तो सामान्य रूप से पढ़कर ही बन जाएगा। मुझे मात्र लखपति बनना है, तो लखपति तो धीरे धीरे कमाने से ही बन जाएगा। लक्ष्य कौन लोग नहीं बनाते हैं जिनको जीवन के अंदर आराम करना होता है और किसी मंजिल को हासिल नहीं करना होता है, ऐसे लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं और बड़े विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिनको गॉड गिफ्ट होती है, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ होना चाहते हैं, उनमें कुछ करने की ललक होती है, कर गुजरने की चाह होती है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे कहा जाता है, कि व्यक्ति में चाह होनी चाहिए। चाह होने पर वो कहीं कहीं से रास्ता निकाल देगा और किसी भी परिस्थिति के नीचे वो घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि उसको हमेशा लक्ष्य की यादगार रहती है। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि द्रौपदी का संयंवर हुआ। उस संयंवर यानी शादी के अंदर ये शर्त थी कि जो राजकुमार, जो ऊपर मछली लटक रही है और उस मछली का बिंब जो है नीचे कुंड में दिखाई दे रहा है, तो कुंड में जो बिंब दिखाई दे रहा है उस आंख का, उसकी तरफ निगाह रखते हुए, तीर की दिशा ऊपर रखते हुए अगर उस मछली की आंख को भेद देगा, तो उसके साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। गांडीव धनुषधारी अर्जुन वहां पर हाजिर हुआ। अर्जुन ने अपना पोस्चर बनाया और अर्जुन को समय में पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बड़ा रिमार्केबल जवाब दिया कि मुझे तो उस मछली की आंख दिखाई दे रही है जिसको कि मुझे वेदना है, जिसको कि मुझे चीरना है। तो भाई और बहनों, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य ऊंचा होने से कड़ी मेहनत होती है, कड़ा पुरुषार्थ होता है। और कड़ी मेहनत के साथ में तीन बातें होनी चाहिए। पहला चिंतन, दूसरा मनन और तीसरा क्रियान्विति। हमने लक्ष्य तो बना दिया,
उसके बाद के अंदर उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए चिंतन करिए, योजनाएं बनाइए कि उस लक्ष्य के क्या क्या साधन हैं, कैसे पहुंचा जाएगा, उसका उसका रोड मैप बनाइए और उसका पूरा टाइम चार्ट बनाइए कि किस किस समय में क्या किया जाएगा। चिंतन, फिर मनन कीजिए, मेथोडोलॉजी तैयार कीजिए सोच करके गहराई से कि इसको कैसे पूरा करें, किस जरिए से पूरा करें, किस रास्ते से पूरा करें, किस साधन से पूरा करें, और फिर क्रियान्विति। चिंतन मनन प्रारंभ में करना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, लंबे समय तक क्रियान्विति में लगना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारा लक्ष्य बन गया, चिंतन मनन हो गया, योजना बन गई, उस पर क्रियान्विति होती है, तो उसमें संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इंदिरा गांधी ने यह एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया था कि कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, देश को विश्व के पटल पर बड़ा बनाना चाहते हैं, प्रथम दर्जे का देश बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करिए। और उसका रिजल्ट इतना सुंदर आया कि इंदिरा गांधी स्वयं 15-15, 16-16 घंटा काम करती थी, जैसे आज नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, उनका भी वही मिशन है। तो उनके इंदिरा गांधी के समय में देश आगे बढ़ा था, विकास हुआ था, और आज उसी तरीके से हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनके विजन से, उनकी क्रियान्विति से, उनका कार्य करने की पद्धति से और लक्ष्य के प्रति समर्पण होने की वजह से आज देश जो है पूरे विश्व के अंदर अच्छा देश माना जाता है। और ऐसे ऐसे रिमार्क किए गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे जो भारत की कृति है, पूरा विश्व 21 जून को मनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर पूरा विश्व यूएनओ के अंदर मनाया जाता है। ऐसी ऐसे कीर्तिमान हमारे यहाँ स्थापित हुए क्यों हुए हैं कि हमारे गणमान्य लोग, हमारे लीडर जो कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और लक्ष्य बनाया, उससे आगे बढ़े हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का कितना सुंदर विषय है कि इस विषय पर घंटों घंटों बात की जा सकती है, और इस विषय को हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि मेहनत कड़ी करनी चाहिए। अब ये देखिए कि कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, और वह 8-8, 10-10 घंटे पूरी खाई खोदता है, पसीना बहा देता है, और एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा बैठा और वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, और वह व्यक्ति दिन भर के अंदर 200-400-500 रुपए ही कमा पाता है। इसका कारण क्या है कि दोनों के लक्ष्य में फर्क है। वो तो केवल शारीरिक मेहनत करता है, मानसिक जो परिश्रम कहना चाहिए, योजना कहनी चाहिए, विजन कहना चाहिए, प्लानिंग करनी कहना चाहिए, वो तो बंधा बंधा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, वो उसके साथ नहीं है। लेकिन जो प्लानर है, जो मात्र कुर्सी पर बैठा है, मोबाइल से ही बात कर रहा है और सिर्फ दिशा निर्देश दे रहा है, वो बहुत बड़ा कार्य कर जाता, क्यों? उसके पास में प्लानिंग है। प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ में कड़ी मेहनत करने वालों को कई गुणों का, उसमें कई गुण होने चाहिए। सबसे बड़ा गुण तो क्या है कि उसकी दिनचर्या। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है या करना चाहता है या जिसको करनी चाहिए, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत संयोजित करना होगा। इस सारी सृष्टि के अंदर ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं, और 24 घंटों के अंदर जो है दिन काम करने के लिए होता है और रात्रि सोने के लिए होती है। 8 घंटा प्रति व्यक्ति को सोना चाहिए, क्योंकि हमारी इस शरीर का नियम है कि जितनी हम एनर्जी खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी की प्राप्ति करने के लिए उतना विश्राम भी आवश्यक है। शारीरिक विश्राम, मानसिक विश्राम,
आवश्यक है। दोनों का संतुलन होता है, शारीरिक और मानसिक विकास के संतुलन से जो है हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारी दक्षता बढ़ती है। लाइफ स्टाइल की बात चली तो सोने का समय और उठने का समय फिक्स होना चाहिए और व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए ताकि कि बॉडी के अंदर शिथिलता न रहे और बॉडी भारी न पड़े। कहा जाता है कि शरीर को चलाते रहना चाहिए लेकिन मन को स्थिर रखना चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, जो किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उनको मन को स्थिर रहना चाहिए। मन को स्थिर रहने का अर्थ यह है कि जो प्लानिंग हमने कर ली है दिन भर की, साल भर की, वीकली की, उस प्लानिंग के अनुरूप चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बना ली, चिंतन मनन युक्त प्लानिंग बना दी लेकिन उसका फॉलो अप नहीं करते और उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बारे के अंदर विचार नहीं करते हैं, उजड़ ही चल रहे हैं। इसीलिए क्या है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है उसको सही दिशा के अंदर मेहनत करनी चाहिए और इसका समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। अगर हम साल भर की बात करें तो मासिक समीक्षा, क्वार्टरली समीक्षा, हाफ ईयरली समीक्षा और ईयरली समीक्षा की जानी चाहिए कि जो हमें कड़ी मेहनत के साथ में सफलता मिलनी चाहिए वह हासिल हो रही है नहीं हो रही है, क्या बॉटल नेक्स है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सबको लेकर के चलना चाहिए। दूसरा, जो कड़ी मेहनत करते हैं उनमें कुछ गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? एक तो धैर्य का गुण होना चाहिए कि व्यक्ति में अधीरता नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट आया, किसी ने निंदा की, किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया या प्रारंभ के अंदर असफलता मिली और हम उस काम को छोड़ दें, वह नहीं किया जाना चाहिए। कड़ी मेहनत का मुकाबला नहीं है, इसका अर्थ यह है कि मेहनत किए जाओ और गीता का निष्काम का कर्म भी ध्यान में रखना चाहिए। निष्काम कर्म गीता का भगवान कृष्ण ने क्या संदेश दिया है कि जो भी कार्य करो फल की इच्छा मत करो और कार्य पुरुषार्थ पूरा करो, मेहनत कड़ी करो लेकिन उसके बाद भी सारा आपका प्लानिंग सही है, आपका चिंतन मनन सही है लेकिन फिर भी हो सकता है कि नियति की वजह से जो है आपको सफलता न मिले, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको फल की इच्छा नहीं करनी और निराश नहीं होना चाहिए। कड़ी मेहनत करने वाले को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कड़ी मेहनत का मुकाबला नहीं का अर्थ यह है, एक उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक टीचर ने जो है अपने बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और स्टूडेंट को बोला कि इस लाइन को छोटा करो, तो एक स्टूडेंट आया तो उस लाइन को थोड़ा मिटा दिया तो लाइन लंबाई में छोटी हो गई। दूसरा स्टूडेंट आया जो कि बहुत होशियार था, समझदार था, कड़ी मेहनत करने वाला था, सात्विक व्यक्ति था, उसने वो छोटी लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी। तो अब देखिए, उसने उसको मिटाया नहीं, पहले वाले ने मिटाया उसको। इसलिए कभी भी प्रयास करो, कड़ा परिश्रम करो तो किसी को मिटा के नहीं, किसी का ध्वंस करके नहीं, अपनी एबिलिटी के आधार पर कंपटीशन करो तो भी स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, यानी उस कंपटीशन में किसी को गिराने का, किसी की निंदा करने का, किसी का काटने का, किसी की घृणा करने का, किसी को पीटने का जो है वो कार्य नहीं होना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से गहन विषय पर गहन चिंतन कर रहे थे, अब थोड़ा तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। और बहनों, थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अब हम जो है स्वस्थता महसूस कर रहे हैं। अब पुनः अपने कार्य पर जो है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं उसकी विवेचना को।
तो इस तरीके से गुण होना चाहिए। और जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्र है तो नरेंद्र भाई मोदी अकेले क्या करेंगे। 125 करोड़ लोगों का समर्थन उसको हासिल होना चाहिए और उसकी मिनिस्ट्री की जो टीम है वो ईमानदार होनी चाहिए और वो इनके निर्देशों की पालन करने वाली होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, और बड़ी प्लानिंग के साथ करना चाहिए, सारी प्लानिंग व्यवस्थित रूप से सबको मालूम होनी चाहिए, उसका फीडबैक लिया जाना चाहिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमने जो लक्ष्य बनाया है वीकली बनाया है या ईयरली बनाया है उसका जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका रोड मैप होना चाहिए कि उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, यानी वो समीक्षा की जानी चाहिए। और देखिए कि कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता है, परंतु कड़ी मेहनत संयम के साथ करनी चाहिए, धैर्य के साथ करनी चाहिए, और कड़ी मेहनत के अंदर आवेग और आवेश के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आवेग और आवेश व्यक्ति को थका देते हैं। रिलैक्स होकर के करना चाहिए, और जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वो थोड़ा योग भी उन्हें करना चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ में मुझे एक बिड़ला जी ने अपने पुत्र जो है वो बसंत कुमार को पत्र लिखा, वो मैं कोट करना चाहूँगा, जो कि बिड़ला जी बहुत कड़ा परिश्रम करने वाले थे और उन्होंने, वो सेल्फ मेड थे, वो किराया अपने बर्तन जो है पिलानी के अंदर गिरवी रख करके और गुरु का आशीर्वाद लेकर के पूर्व दिशा के अंदर, गुरु ने कहा था तुम पूर्व दिशा की ओर आगे से आगे मुड़ते जाना और पीछे नहीं मुड़ना, बीच में रास्ते में सांप भी दिखाई दिया लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े और घबराए नहीं, पास में से होकर के चले गए, क्योंकि पुराने जमाने में ऊंट के द्वारा गाड़े के द्वारा यात्रा की जाती थी। तो बंधुओं, उन्होंने कड़ी मेहनत की, तो अपने पुत्र बसंत कुमार को पत्र बड़ा रिमार्केबल बात लिखी है। बसंत कुमार, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें धन दौलत बहुत मिली है, लेकिन यह धन दौलत तुम्हारी नहीं है, ये पब्लिक की है, इसकी रक्षा करना, और अगर तुम्हारी पीढ़ी कोई नालायक निकले तो उसको एक पैसा भी मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करना, अपने पर संयम रखना, योग करना, इंद्रियों को वश के अंदर रखना, अहंकार नहीं करना, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी का कार्य करना, जगत कल्याण का कार्य करना, इस पैसे को जो है अपने ऐश आराम में खर्च नहीं करना, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक से हम कमाते हैं और ये पैसा पब्लिक का है। और देखिए कितनी बड़ी शिक्षा उस महापुरुष ने दी, क्योंकि इसने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करके रिजल्ट प्राप्त किए, और उन्होंने इस स्थिति को नैतिकता से कार्य किया, नैतिक, और सबसे बड़ा गुण कड़ी मेहनत के अंदर गुण है नैतिकता का होना चाहिए। हमें गिर करके भ्रष्ट जो आचरण करके कड़ी मेहनत नहीं करनी है। कड़ी मेहनत के साथ में ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि इफ वेल इस वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कड़ी मेहनत करें तो कड़ी मेहनत के साथ साथ में जो है हमें नैतिक बनना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट हो ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का इतना सुंदर विषय है, तो अब उस सुंदर विषय को मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ, निष्कर्ष देना चाहता हूँ, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर जो भी विषय आवंटित है उसका हम अंत में निष्कर्ष निकालते हैं, सारी बात कह करके कि आखिर इस टॉपिक से, इस कार्य से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, समाज कैसा बनेगा इस कार्य को करने से, इस शिक्षा का पालन करने से। वास्तव के अंदर व्यक्ति जो है बहुत ही तरक्की कर सकता है, देश तरक्की कर सकता है, समाज तरक्की कर सकता है, परिवार तरक्की कर सकता है, ये निश्चित बात है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता है। और जो कुछ भी फल मिलता है वो मेहनत के द्वारा ही मिलता है, लेकिन
आज का देखिए सिनेरियो कैसा हो चुका है कि आज 80 करोड़ हमारे युवा लोग हैं भारतवर्ष के अंदर। वो युवा लोग तो पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन परिश्रम में विश्वास नहीं करते, वो गांवों में जाकर के कार्य करना नहीं चाहते, अपना पैतृक कार्य करना नहीं चाहते। सभी मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इतने लोगों को कैसे नौकरी दे सकती है, या जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी भी कैसे नौकरी दे सकती है। तो व्यक्ति को परिश्रमवादी होना चाहिए। तीन बातें हमारी भारतीय संस्कृति में आती है कि सम, क्षम और श्रम, बिल्कुल आज के विषय से जुड़ी हुई है। सम का मतलब संभाव, आप जो है स्थित प्रज्ञ बनकर के रहो, कड़ी मेहनत करो लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि निंदा प्रशंसा ये जीवन में आती रहती है, उसको समान समझो, उससे प्रभावित मत हो, उससे निराश नहीं होना। और आपकी प्रशंसा कर दी तो आप फूल गए और अहंकारी बन गए, आपकी निंदा की तो आप डिप्रेशन में चले गए। ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल संभाव में रह करके और परिश्रम करना है। दूसरा जो है शम, सम का मतलब इमोशंस का शमन करना, क्रोध अहंकार माया लोभ घृणा ईर्ष्या ये व्यक्ति को बर्बाद करते हैं। और अहंकार कड़ा मेहनती है लेकिन अहंकारी है तो उसके साथ टीम नहीं बनती है। टीम किसके साथ बनती है, जो व्यक्ति निरंकारी है और वो उसका विजन होता है, प्लानिंग उसकी होती है, कड़ी मेहनत करता है लेकिन सारी क्रेडिट अपनी टीम को देता है तो, और क्रेडिट अपने पे नहीं लेती। वास्तव में क्रेडिट तो लीडर को मिलती है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट अपनी टीम को करता है। टीम भी प्रसन्न रहती है कि हम सबके योगदान से कार्य हुआ है और सब हमको क्रेडिट दी जा रही है, हमको भी सम्मान दिया जा रहा है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। इस सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी जो है सम्मान चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं और सम्मान सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है उसको हम अतिथि देवो भव के रूप में सम्मान देते हैं। दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति आपको खूब खूब नमन कि आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े चाव के साथ सुनते हैं और आज पूरे शहर में ये चर्चा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम हर व्यक्ति को देखना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को बूढ़ों को युवाओं को विकलांगों को विधवाओं को और सभी को कुछ ना कुछ टिप्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बात मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, आप सभी का जीवन मंगलमय हो आनंदमय हो और सभी आप सुखमय हो और आनंद से अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना।